अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और साथ में धागन का भी वितरण, चक्री का वितरण किया जाता है। और कई बार अनेकों बार हमने बड़ी भजन संध्या भी करवाई है। दो बार हमने पूर्व में पेपरों के माध्यम से इस आयोजन का आप प्रचार के माध्यम तो करेंगे, लेकिन आप जनता तक ये संदेश पहुंचाएंगे ताकि इस कार्यक्रम का हमारा मूल भाव जो है वो जनता तक पहुंच सके। जय श्री राम, भारत माता। बहुत ही उत्साह और गौरव की अनुभूति आज हो रही है सबने, उसी को लेकर हमें बहुत बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जो ये हिंद रक्षक संगठन करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति का महत्व पूरे देश को और पूरे देवास को दिखाने जा रहे हैं, उसमें मैं मानती हूँ ज्यादा प्रचार प्रसार हो, उसके बाद कभी संध्या है। बहुत सुंदर प्रभु श्री राम के चरित्र पर ये कविताएं पढ़ी जाएंगी। आप लोग पधारें, इसका आनंद लें, मौसम भी साथ है आप लोगों के, आप सब पधारें। मनीष जी ने आपको बताई बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम कुछ ऐसा योग पड़ा है कि हम राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने की पूर्व संध्या पर, यानी लिटरली पूर्व संध्या नहीं है पर कुछ दिन पहले हम करने जा रहे हैं। उत्साह चरम पे है, सभी को हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का उत्साह। इस संस्कृति की सबसे सुंदर चीजें हमारे नौजवानों को, नई पीढ़ी को दिखाने का उत्साह, पर क्यों ना हम देवास में भी इसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए आप सभी लोगों से आप सहयोग की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम। प्रणाम करती हूँ हमारे इस हिंद रक्षक संगठन द्वारा ऐतिहासिक आयोजन प्रतिवर्ष देवास में करने के लिए आदरणीय मनीष सेन जी को और उनकी पूरी टीम, राजेश जी यहाँ पर, आनंद कोठारी जी बैठे, भरत चौधरी जी बैठे, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि हमारे बच्चों को मोबाइल फोन के गेम्स से बाहर निकालें, टीवी से, कंप्यूटर, लैपटॉप, उनका महत्व अपनी जगह पर है। मैं नहीं बोलती हूँ उनके महत्व को नकार नहीं रही हूँ, पर अति उन चीजों में घुसकर हमारी जो मूल खेल है, जो हमारे देश में पतंग का एक महत्व होता था जो गायब होता जा रहा था, पतंग, मांझा, चरखी, कितने लोगों को, कितने बच्चों को मालूम है, बहुत कम हो गए हैं। शहर वालों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं मनीष जी के साथ आवाज उठाकर सभी से आह्वान करती हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम पतंग बांटेंगे, मांझा बांटेंगे, चक्री बांटेंगे सभी को, बच्चों के लिए, तो बच्चे उसको लेकर इस आने वाले सप्ताह में इस बहुत ही सुंदर खेल जो हमारे देश का है, पतंग उत्सव। देखा जाता है कि देवास के लोकल कवि इससे नदारद रहते हैं, आपकी एक अच्छी पहल है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? क्योंकि कार्यक्रम देवास का है और प्रदेश के कवि भी आ रहे हैं, तो हमने कहा है कि देवास के कवि भी, उनको देवास की अपनी कहीं ना कहीं उनकी प्रसिद्धि आ रही है, वो देवास की हस्तियाँ तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए देवास के सब कवि भी मांगे। ये कार्यक्रम तो मनीष सेन जी हर साल रखते हैं, अलग अलग स्तर पर इसको अलग अलग चीज़ों से जोड़कर इसको बनाने का काम करते हैं, कभी भजन संध्या तो कभी कवि सम्मेलन, ताकि ये ज़्यादा रोचक बने, ज़्यादा लोग उससे जुड़े। इस बार इस पतंग उत्सव को उनके हिंद रक्षक संगठन ने कवि सम्मेलन के साथ जोड़कर किया है, पर उसका महत्व कम नहीं होता है, इसको महत्व बढ़ाने के लिए कवि सम्मेलन उसमें जोड़ा गया है, और कवि सम्मेलन भी प्रभु श्री राम के चरित्र पर आधारित रहेगा। आने वाले राम मंदिर की स्थापना को देखते हुए तो सभी धर्मप्रिय जनता को, सभी बच्चों को पतंग
वितरण के समय उपस्थित रहें, ऐसा आग्रह करने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद। राजा, आपने पत्रकार वार्ता में कहा कि बच्चे अब नदारद हो रहे हैं, चीज़ों से दूर हो रहे हैं जी, तो एक इस जो इस बार पहले इससे पहले पहल में नहीं उठे बच्चे दूर। हर पहल में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये पहल उनको मकर संक्रांति का महत्व दिखाने के लिए है, बच्चों को पतंग से जोड़ने के लिए, तिल गुड़ से जोड़ने के लिए। तिल गुड़ महाराष्ट्र का एक बहुत ही सुंदर क्या बोलते हैं परंपरा है। पतंग की गुजरात से शुरू हुई, पर ये परंपराएं शुरू होकर अलग अलग प्रदेशों से पूरे देश का हिस्सा हमेशा से रही हैं और उसे बनाए रखने की एक कोशिश है।